आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रबर चेक डैम के प्रस्ताव पारित होने की खुशी में रिवर कनेक्ट अभियान द्वारा एक भव्य महाआरती का आयोजन मथुराधीश मंदिर के समीप यमुना आरती स्थल पर किया गया। आपको बता दें, इसमें वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। ताजनगरी एक पर्यटन स्थल है। ज्योति अपनी मुगल कालीन इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से यमुना किनारे ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा, एतमादौला जैसी इमारतों के लिए विश्व विख्यात है, जिन्हें एक झलक निहारने के लिए पर्यटक विश्व के कोने कोने से आगरा आते हैं। लेकिन अब यह ताजनगरी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के लिए भी जानी जाएगी। उसी यमुना के किनारे पर अब भव्य पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। यमुना के किनारे पर जल्द ही सौंदर्यकरण का कार्य शुरू होगा, साथ ही यमुना की सफाई पर भी अब तेजी से कार्य चलेगा। देखिए, पिछले 7-7.5 वर्षों से तो हम लगातार आरती का आयोजन कर रहे हैं यमुना आरती स्थल इस जगह पर, और उसके अलावा भी हम पिछले 15 साल से यमुना के लिए शुद्धिकरण के लिए लगे हुए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो एक लंबा संघर्ष रहा हमारा, लेकिन आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों पर ध्यान दिया और उनका साधुवाद जताना चाहते हैं, ना सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का बल्कि प्रधानमंत्री जी का और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट का भी, जिन्होंने सारी अनुमतियाँ दिलवाई हमको। लेकिन अभी हमारा संघर्ष अधूरा है, क्योंकि अभी यमुना जिस देख रहे हैं किस तरह से मैली है, इसमें गिरते हुए नाले अभी रुके नहीं हैं। इसमें कम से कम 80 नाले गिर रहे हैं लगातार। उसके साथ डीसिल्टिंग, ड्रेजिंग होनी है इसकी, तली झाड़ सफाई होनी है और यमुना के घाटों का सौंदर्यीकरण होना है। कम से कम ये 3-4 काम तो और होने ही होने हैं। साथ में मिनिमम 65 क्यूसेक पानी जो NGT का ऑर्डर है वो हमेशा इसमें बहता रहे, ये भी सुनिश्चित होना है। आरती माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद के रूप में दी गई है, जो कि उनके अधिकारियों ने तेज गति से जो कार्य किया और NGT में पैरवी की, मुकदमे की, और उसके बाद आगरा की NGT से मान्यता जो प्राप्त हुई है उसके लिए साधुवाद हैं वो अधिकारी एवं प्रशासन। उसके साथ ही साथ आगरा में उस बैराज से पहले नगर निगम आगरा को जो यमुना नदी में गिरने वाले 80 नाले उनको टैप किए जाए, क्योंकि अगर आगरा का रबर डैम बनने के बाद वो नाले यमुना में प्रवाहित होंगे तो ताजमहल के पीछे बहुत गंद और यमुना किनारे बैठने की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए पहले नालों को टैपिंग किया जाए और आगरा के बैराज के लिए और चौपाटी के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था बनाई जाए, रेहड़ी पटरी वालों को व्यापार उद्योग दिया जाए। क्या सुधार होगा? सुधार ये होगा, जो आज के देश विदेश से पर्यटक आते हैं, गंदा संदेश लेके जाते हैं, सोच करते हुए लोगों को देखते हैं, जब दोनों तरफ यमुना की तलेटी में बारिश में आया हुआ जल रुका रहेगा और यमुना की तलेटी भरी नजर आएगी, हरियाली भी पनपेगी, पायु और शहर का वाटर लेवल भी सुधार में आएगा कहीं ना कहीं। जी हाँ, लंबे समय से लंबित पड़ा रबर चौक डैम के प्रस्ताव अब सरकार की मोहर लग चुकी है, जिससे ताजनगरी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रबर चौक डैम के प्रस्ताव पारित होने की खुशी में रिवर कनेक्ट अभियान द्वारा एक भव्य महाआरती का आयोजन मथुराधीश मंदिर के समीप यमुना आरती स्थल पर किया गया। इस दौरान मंदिर के महंत समेत शहर के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।